ये राष्ट्र क्या है, हम कौन हैं, हमारा इतिहास क्या है, क्या हम हिंदू हैं, हिंदू शब्द कहां से आया, कब आया, कितना पुराना है, किन कारणों से आया, हमें कुछ पता नहीं है। और सब हिंदू हिंदू हम बके जा रहे हैं। जो लोग भी सिंधु घाटी के इस तरफ रहते थे, उस दौर में जो लोग प्रोनाउंस करते थे, उनके काखा गा के अंदर सा नहीं था, इसलिए सा को हा कहा गया और हिंदू घाटी हो गई। और हिंदू घाटी में जो इधर रहते हैं वो हिंदू हो गए। और इस हिंदू शब्द को आप हिंदू नहीं हैं, किसी भूभाग पर रहने वाले लोग थे, उस सिंधु को आपने हिंदू कहा, इसलिए आप हिंदू हो गए। लेकिन असल में आप क्या हैं? असल में आप लिखित में 5000 साल, जो आज की कार्बन डेटिंग है, वैसे लोग हजारों से हजारों साल की बात करते हैं। आप हजारों साल पहले, जब से ये ब्रह्मांड बना और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, जब तक रहेगा, मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, अगर दुनिया के किसी भी भूभाग पर कोई धर्म नाम की चीज थी, वो सिर्फ एक ही धर्म था। हजारों करोड़ों साल पहले भी था, हजारों करोड़ों साल जब तक ये सृष्टि रही हुई रहेगा, उस धर्म का नाम था सनातन। और सनातन क्या है? आप सनातन के वंशज हैं, आपका डीएनए सनातन है, आपका डीएनए और कुछ नहीं है। ये तो 1400 साल पहले कुछ लोग पैदा हुए और इस 1000 साल के कालखंड में आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि सनातन, जिन्होंने पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान बांटा हो, पूरी दुनिया को चलना सिखाया हो, गिनना सिखाया हो, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके बगैर दुनिया कुछ थी ही नहीं। और आज भी दुनिया आपके उसी पुरुषार्थ को जानती है, आपको आज के भारत से नहीं जानती। आप कितनी दूर तक चले गए, आज आप यादव हो गए, ठाकुर हो गए, ब्राह्मण हो गए, दलित हो गए, अगड़ा पिछड़ा, इतनी चीजों में आप बट गए कि आपको यह पता ही नहीं था कि यह एक सिस्टम था, यह कोई कास्ट नहीं थी कि कोई पैदा ब्राह्मण हुआ है, कोई पैदा बनिया हुआ है, कोई पैदा यादव हुआ है, यह पैदा होने से उसका कोई संबंध नहीं था। जैसे भारतीय सेना में जिसके अंदर वो पुरुषार्थ होता है, जिसके बाहुबलों में वो जान होती है, जो उसके पैरामीटर पे आएगा वो फौजी कहलाएगा। आप क्या कभी कहते हैं ये दलित फौजी है, ये ठाकुर फौजी है, ये ब्राह्मण फौजी है? वो फौजी है, उसका काम है भारत के खिलाफ जो भी आक्रमण होगा उसको रोकेगा। इसी तरीके से छत्री हुआ, जिनके पास ज्ञान था वो मंदिरों में बैठ करके ज्ञान की बात करते थे, इतना ही उनका काम था। लेकिन आज हो क्या गया है, मंदिर वाले को सत्ता चाहिए, जो फौज में आया उसे भी सत्ता चाहिए, जो फसल उगा रहा है उसको भी सत्ता चाहिए, सारा का समाज सत्ता केंद्रित हो गया है। हर आदमी कहता है हम सुपीरियर हैं, हम सुपीरियर हैं। आप 5000 साल पुराने इतिहास से लेकर के आज तक आप वही हैं, आपका डीएनए वही है।